And good morning everyone of class 6. Today in our grammar class we are going to know the noun and its number. As in the previous class I have taught you about the nouns and their kinds. Now we are here to move ahead. We will get to know how nouns are changed. Noun, as we all know, have two numbers. One is called singular and the other one is called plural number. So let us get to know which one is singular and which one is plural, and then we will come to how to change from singular to plural. So first thing first, singular number or say singular noun. Jaisa ki naam se hi lagta hai bachcho, सिंगुलर का मतलब ही होता है सिंगल, यानी जो एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा हो. तो इसलिए इसके डिफिनीशन में कहा गया है, अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग. अर्थात सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा वह है जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में जानकारी देता हो, रेफर करता हो, बताता हो हमें कि ये व्यक्ति या वस्तु एक अकेले हैं, इसलिए ये सिंगुलर है. जैसे एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर गोट है, बॉय है, बस, रिवर, डॉल, नाइफ, बेबी, फोटो, ये सब अकेले हैं, इसलिए इन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. ठीक इनके उलट, अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल और प्लूरल नंबर इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन थिंग और पर्सन. अर्थात जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन, प्लूरल नंबर. इसीलिए प्लूरल नंबर हमेशा एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जानकारी देता है. और इसके उदाहरण में आप यहाँ देखें, गोट्स हैं, बॉयज़ हैं, बसेज हैं, रिवर्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब प्लूरल हैं क्योंकि ये एक से अधिक हैं. अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं बच्चों, हम उन नियमों की जानकारी पाएंगे. वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ सिंगुलर नाउन्स इन डिफरेंट वेज. हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सबसे आसान तो होता है कि भाई हम आखिर में उस सिंगुलर नाउन के आखिर में एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाते हैं. जैसे यहाँ देखिए, बुक का बुक्स है, काउ का काउज है, बॉय का बॉयज है ना, ये सब एस जोड़ देने से प्लूरल बन गए हैं. अब ऐसे बहुत से नाउन आपको मिलेंगे जिनके एंड में ओ होता है, एस होता है, डबल एस होता है, एक्स होता है, एस एच होता है या सी एच होता है. अगर इनमें से कोई भी है तो हम क्या करते हैं, इनके बाद ई एस जोड़कर हम इन्हें प्लूरल बना लेते हैं. जैसे गैस है तो आखिर में देखें एस आया है, जी ए एस, गैस होता है. इसे जब हम प्लूरल में बदलना चाहेंगे तो हम ES जोड़ देंगे, GASES, गैसेस, ये प्लूरल बन गया. जैसे जैसे मान लें हम कहते हैं कोई बेंच, तो आखिर में क्या आया, CH आया. हमारा नियम कहता है कि जो CH से समाप्त होता है उसमें क्या करना होता है, ES जोड़ देना होता है. हमने उसमें ES जोड़ दिया, बेंच से बेंचेस हो गए. मान लें डिश है, DISH, डिश, आखिर में SH आया, तो जहाँ SH हो, CH हो, X हो, डबल S हो, इन सब वाले जो सिंगुलर नाउन होंगे इनमें हम ES लगा करके इनका प्लूरल बना लेंगे. ऐसे कई नाउन मिलते हैं जिनके आखिरी अल्फाबेट, आखिरी जो अक्षर होता है वो Y होता है. तो यदि आपके पास नाउन में Y आया है तो Y को I में बदलकर ES लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं. जैसे बेबी, BABY, आखिर में Y है तो इस Y को I में बदलेंगे और ES लगाकर जोड़ देंगे. इससे क्या बन जाएगा, बेबीज, BABIES, Y I में बदल गया और ES उसके साथ जुड़ गया. इस प्रकार ये प्लूरल बनता है. तो जिन भी सिंगुलर नाउन्स के आखिर में Y लगा हो, आप उनको Y को I में बदलकर ES जोड़ करके उनका प्लूरल बना सकते हैं. इसके बाद ऐसे कई नाउन्स मिलेंगे जिनके आखिरी में या एफ हो या एफ ई हो, तो जो एफ या एफ ई होता है उसको भी में बदलकर
ES जोड़ देने से प्लूरल बनता है, जैसे नाइफ, KNIFE, FE है। अब इस FE को भी में बदलेंगे और ES जोड़ देंगे तो प्लूरल बनेगा KNIVES, नाइफ। ठीक है, जैसे मान लें हम कहते हैं लोफ, LOAF, लोफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, F को भी में बदलेंगे, LOAVES, लोफ। तो ये इसका प्लूरल हुआ, यानी जिनमें एफ या एफ ई लास्ट में होगा बच्चों, उनको एफ या एफ ई को भी में बदलेंगे और ई एस लगाकर जोड़ देंगे, इससे ये प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद ऐसे बहुत से सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच में वॉवेल्स आते हैं, है ना, तो वॉवेल्स का रूप बदल देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे टूथ, TOOTH, टूथ, तो ये डबल ओ को डबल ई में बदल दिया जाता है, टीथ हो जाता है, मैन मेन हो जाता है, माउस माइस हो जाता है। ये याद रखने होंगे बच्चों कि इनके बीच में जो हमारा वॉवेल है उन्हें बदल कर हम बनाते हैं। कईयों में आखिर में ई एन और आर ई एन जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है, जैसे ऑक्स से ऑक्सेन होता है, चाइल्ड से चिल्ड्रेन होता है, है ना, ब्रदर से हम ब्रदर्स भी कहते हैं और ब्रदरेन भी कहते हैं, उसमें भी आर ई एन लगा देने से वो भी प्लूरल बन जाता है। अब थोड़ा ध्यान से बनाने वाली बातें, समझने वाली बातें आ रही हैं, इन्हें सुने समझें। ऐसे कई नाउन होंगे जिनके आखिर में वाई होगा और उनके ठीक पहले कोई वॉवेल लगा होगा, ध्यान से सुने बच्चों। इनमें ऐसे कई मिलेंगे जिनमें वाई आखिर में होगा और उनके पहले वॉवेल लगा होगा। तो यदि ऐसे कोई वर्ड आपको मिलते हैं जिनके आखिर में वाई तो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वाई होगा तो वाई को आई में बदल कर एस लगा देंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि उस वाई से पहले जहाँ भी हमने लगाया था आई ई एस जो हम कर रहे थे उसमें सब में कॉन्सोनेंट आ रहे थे पहले, यहाँ वॉवेल आते हैं। तो वाई से पहले अगर वॉवेल है तो फिर उस वाई को हम नहीं बदलते, बल्कि उस वाई के बाद एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे डे का डेज हो गया, टॉय का टॉयज हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, ये सब एग्जांपल हैं कि इन सब के पहले आप देखें बॉय में बी ओ वाई होता है, वाई से पहले ओ आया वो क्या है, एक वॉवेल है। हमने कहा टॉय, हमने कहा की, के ई वाई, अब वाई से पहले क्या आया, ई आया, ई क्या है, वॉवेल है। यानी वाई से पहले अगर वॉवेल लगा होगा तो हम सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बना लेंगे। अगला नियम कहता है कि भाई सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। ऐसे कई हैं जिनके अंत में एफ लगा होगा, उनमें हम सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बना लेते हैं। कईयों के तो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, जैसे शिप है, डियर है, इनका सिंगुलर भी एक ही होता है, प्लूरल भी एक ही होता है। ये आप यूँ कहें कि हम जैसे शिप कहते हैं तो सिंगुलर की बात करें तो भी हमें शिप ही लिखना चाहिए या कहना चाहिए, और अगर हम प्लूरल की भी बात करें तो भी हमें शिप ही लिखना या कहना चाहिए, उसमें हम किसी तरह का एस वेस ना लगाएं, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। Noun ending in O and having consonant before them generally forms plural by adding es by their to their singular form. अर्थात ऐसे singular noun जिनके अंत में O लगा हो और उसके ठीक पहले consonant लगा हो, इनको plural बनाने के लिए हम O के बाद या जो भी उसके हाँ O के बाद हम es लगाकर इन्हें plural बना लेते हैं। जैसे मान लें हम कहते हैं मैंगो, एम ए एन जी ओ, ये स्पेलिंग होती है उसकी, ओ से पहले क्या आया, जी आया, और जी क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर जोड़ देंगे, जैसे पोटैटो है, निग्रो है, बफेलो है वगैरह, यहाँ पे कई एग्जांपल दिए गए हैं। नाउन एंडिंग इन ओ और डबल ओ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ या डबल ओ लगा हो उनका प्लूरल केवल एस जोड़ देने से बनता है। अभी पिछले नियम में हमने क्या पढ़ा कि भाई ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगता है,
लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई जिसमें ओ या डबल ओ हो उसमें केवल एस लगाते हैं, जैसे बैम्बू का बैम्बूज हो गया, पियानो का पियानोज हो गया, है ना। इसके बाद बारी आती है कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड हो, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, मेड सर्वेंट, है ना। ये क्या है, कंपाउंड नाउन्स हैं। तो कंपाउंड नाउन्स को जब हम बना रहे होते हैं तो इनके प्लूरल देखें अलग अलग तरीकों से हो रहे हैं। जिन कंपाउंड नाउन्स में आप देखें यहाँ सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे यदि हमारे पास वर्ड हो तो इनमें जो प्रमुख वर्ड है, जैसे हमारा हो गया मदर इन लॉ में मदर प्रमुख हो गई, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर प्रमुख हो गया, तो इसमें जो मेन नाउन होता है केवल उसमें एस जोड़ते हैं। आप यहाँ गौर करें, सन इन लॉ का क्या बना, सन्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, यानी इसमें जो मेन नाउन है हम उसमें एस जोड़ते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन है, यहाँ भी गौर करें तो इसमें प्रमुखता किसकी है, स्टेप फादर में फादर प्रमुख है, स्टेप मदर में मदर प्रमुख है, स्टेप सन में सन प्रमुख है, तो जो प्रमुख नाउन होगा हम उसमें ही एस लगाएंगे, मूल बात यही है, है ना। सॉरी बच्चों, तो ये बात समझ गए। अब इससे आगे बहुत थोड़ी सी बात और रह गई है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स, चश्मे आपने देखा होगा, मैं भी पहनता हूँ, आपके प्रदीप सर भी पहनते हैं, मुन्ना सर भी पहनते हैं, बहुत से टीचर्स आपके यहाँ चश्मे पहनते हैं। ये चश्मे जब कभी भी कहीं भी हम लिखेंगे तो क्योंकि इनमें ऑलरेडी एस लगा होता है तो हम इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ये जहाँ भी यूज होते हैं भले वो सिंगुलर की तरफ प्रयोग किए जाएं, मगर लिखे वैसे ही जाते हैं और सिंगुलर प्लूरल में इनमें कोई भेद नहीं होता। सम वर्ड सिम प्लूरल बट दे आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स हैं जिनको लिखा जब जाता है उनके आखिर में एस आता है, जो ऐसा लगता है जैसे प्लूरल हो लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, पढ़ते हैं ना, आपका एक सब्जेक्ट है बच्चों मैथ, आप सभी पढ़ते हैं मैथ को, जब हम स्पेल आउट करते हैं तो MATHEMATICS, गौर करें आखिर में एस आया, और हमारा नियम कहता है कि एस लगा देने से सभी प्लूरल हो जाते हैं, तो ये प्लूरल नहीं है बच्चों, ये वास्तव में लिखे प्लूरल की तरह गए हैं जरूर, किंतु ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर हैं, इसलिए इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। यहाँ आकर आपके ये 14 नियम खत्म होते हैं। इन नियमों को अच्छी तरह पढ़ना, समझना और याद रखना होगा। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1-5, ये सारे आपके लिए होमवर्क के रूप में है, रूल्स को याद करने हैं, प्लस ये जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं ये सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए ही हैं। नियमों को ध्यान में रखते हुए पढ़कर याद करके इन सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक मुझे सभी बच्चों के आंसर मिल जाएंगे। बच्चों जल्दी करें, इन्हें पढ़ें, समझें और अपने आंसर लिखें। कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा और आपको इसके सॉल्व आंसर उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।